चल रहा है लाइव प्रोसेस क्लास 10th का, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी 6.7 का हाफ पार्ट देखा था, यानी कि हमने उसमें एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया था और उसी का ये पोर्शन है, ये पिछले वीडियो का ही लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इधर भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, विजिटर, देखिए यहाँ पे दिया है विजिटर वेटरनरी क्लिनिक, अपने आसपास जो भी आपके ऐसा क्लिनिक है जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है उसको आपको विजिट करना है। विजिट करने का मतलब यह है कि आपको कॉपी पेन लेकर के वहाँ पर जाना है और जो भी एनिमल्स आ रहे हैं उन एनिमल्स का ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करके और जो भी बताया जा रहा है वो डेटा आपको अपनी डायरी में लिखते रहना है, ठीक है। तो पूरा वो डेटा आपको अपनी डायरी में लिख करके रेडी करना है, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ क्या आपने डेटा ऑब्जर्व किया और उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको ढूंढ करके बताना है, ठीक है। तो बच्चों आपने वहां पर क्या देखा, हम क्लिनिक में गए, वहां हमने देखा मेल बफेलो और फीमेल बफेलो, ठीक है। मेल और फीमेल बफेलो में हमको पता करना है कि क्या दोनों में हीमोग्लोबिन, दोनों का हीमोग्लोबिन रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है और क्या वो दोनों के हीमोग्लोबिन लेवल सेम है या डिफरेंट है, और अगर सेम है तो क्यों और डिफरेंट है तो क्यों, ठीक है, उनके पीछे का एक्सप्लेनेशन देना है। सेम ऐसे ही हम देखेंगे मेल काउ और फीमेल काउ का हीमोग्लोबिन लेवल, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है और सेम होता है या डिफरेंट होता है और यदि डिफरेंट है तो क्यों, ठीक है। उसका आंसर देखिए, मेल जो काउ है, हमने जब उस क्लिनिक पर डेटा तैयार किया वहाँ से हमने जब पता लगाया तो हमको पता चला कि जो मेल काउ होते हैं उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो 8 to 12 ग्राम पर डीएल, ठीक है ना, पर डेसीलीटर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर डीएल का फुल फॉर्म बताया था कि ग्राम पर डेसीलीटर, तो 8 से 12 के बीच में यदि रहता है हीमोग्लोबिन लेवल मेल काऊ का तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लेवल है। 8 से कम रहेगा तो वो कम कहलाएगा, ठीक है, और 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है, मतलब मेल काऊ के लिए ठीक नहीं होगा, अधिक होना भी और कम होना भी, ठीक है। तो ये इनका रेंज है। फीमेल काऊ की अगर हम बात करें तो 10 to 15 ग्राम पर डीएल इनमें फीमेल काऊ का हीमोग्लोबिन रेंज होता है। उसी तरीके से मेल बफेलो में हमने देखा तो 12.5 to 14.5 ग्राम पर डीएल, और फीमेल बफेलो का हमने देखा तो 11.5 to 13.5 ग्राम पर डीएल। अब आप यहां पर देख रहे हैं, हमने जब ह्यूमन में जब हमने मेल और फीमेल का देखा था तो हमने क्या देखा कि मेल में हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, उसका रेंज ज्यादा है नॉर्मल का, 13.5 to 17.5 है, जबकि फीमेल में 12 से लेकर के 15.5 है, यानी कि फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल का रेंज कम है। जबकि हम यहां अगर देखते हैं तो यहां पर फीमेल का, देखिए फीमेल काऊ को अगर हम देख रहे हैं या फिर हम फीमेल बफेलो को देख रहे हैं, इन दोनों में ही हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट, सॉरी, फीमेल काऊ, ठीक है, फीमेल काऊ को अगर हमने देखा तो यहाँ पर फीमेल काऊ का रेंज क्या है, यहाँ पर 10 to 15 ग्राम पर डीएल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसका रेंज ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पर रीज़न है इसके एक्टिवनेस का, ठीक है, कि फीमेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, उनको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से उनके शरीर को अधिक एनर्जी की ज़रूरत है और अधिक एनर्जी की ज़रूरत है तो उनमें ऑक्सीजन का सप्लाई भी ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हीमोग्लोबिन भी उनमें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। पिछले पार्ट में मैंने ऑक्सीजन का पूरा आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये यहाँ पर हो गया मेल बफेलो और फीमेल बफेलो में हमने देखा, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि मेल बफेलो जो है उसमें 12.5 to 14.5 ग्राम पर डीएल है, जबकि फीमेल में यहाँ पर क्या है, कम है। तो यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन, मैंने आपको बताया था ना कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्टिव हार्मोन होता है और इतने एक्टिव हार्मोन की वजह से क्या होता है कि सेल की ऑल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी एक्टिव होती है, मतलब सेलुलर एक्टिविटीज़ इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि काम ज़्यादा करना है, हार्मोन है वो, है ना, एक्टिव हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो ये कहता रहता है काम करो काम करो काम करो, ठीक है। तो जब काम ज़्यादा करना है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मेल बफेलो में ज़्यादा है, कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फीमेल काऊ में ज्यादा है, कारण क्या है, क्योंकि फीमेल काऊ को ज्यादा काम करना होता है, ठीक है ना, डिपेंडेंट अपॉन वर्क, ठीक है ना, उसके वर्क पर डिपेंड करता है, इतना ज्यादा काम करना है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो ज्यादा हीमोग्लोबिन भी चाहिए जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा कर सके, ओके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि एनिमल के मेल और फीमेल में कंपेयर करिए, ह्यूमन के मेल और फीमेल से दोनों के, इनके हीमोग्लोबिन को कंपेयर करना है हमको इनके हीमोग्लोबिन से, ह्यूमन से, ठीक है। तो आपने देखा जो भी हमने यहाँ पर पढ़ रखा है उन सारे के बारे में आपको सेंटेंसेस लिख देना है, ठीक है ना। अलग अलग से हमने पढ़ाई है, हमने ह्यूमन का भी यहाँ पर मेल और फीमेल देख लिया, तो ह्यूमन के मेल और फीमेल के बारे में लिखेंगे। और एनिमल्स के हमने काऊ और बफेलो दोनों का हमने देखा मेल और फीमेल का, तो इनका भी यहाँ पर कंपेयर करके लिखना है, यानी कि दोनों आंसर को, ये जो हमारा सेकेंड आंसर है और जो हमने फर्स्ट आंसर में देखा था, उन दोनों आंसर को मिक्स करके आपको लिख देना है थर्ड वाले में, तो वो हमारा कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों का कंपेयर करके बताइए। तो इनका इनका रेंज क्या होता है और कारण क्या है, जो हमने पढ़ रखा है ना पीछे पीछे जो हमने पढ़ाई है सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में हमने ह्यूमन का देखा, दोनों को मिक्स करके लिख देंगे तो वो हमारा कंपेयर थर्ड वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद है कि क्या और भी फैक्टर होते हैं जिस पर हीमोग्लोबिन लेवल डिपेंड करता है, बिल्कुल होते हैं, कुछ और भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ता या घटता है, ठीक है। कारण क्या है, पहला है उसमें फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर क्या होता है बच्चों, फैक्टर वो होता है जो हीमोग्लोबिन के बढ़ने और घटने पर अपना इफेक्ट डाल सके, यानी कि उसकी वजह से अगर कोई एक ऐसा कारण जिसकी वजह से शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाए या शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उस कारण को बोला जाता है फैक्टर, ठीक है, कि इस फैक्टर ने हीमोग्लोबिन पर अपना इफेक्ट दिखाया। तो पहला फैक्टर होता है हैबिटेट, ठीक है। जैसे यदि हैबिटेट का मतलब कि हम कहाँ रहते हैं ना, हमारे रहने की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो यदि टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि प्लेन पर रह रहे हैं, ठीक है ना, जमीन पर रह रहे हैं, तो उनके हीमोग्लोबिन लेवल, अगर हम प्लेन पर हैं तो इनके हीमोग्लोबिन लेवल क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड, है ना, जो काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं। जैसे जमीन पर रह रहे हैं, प्लेन पर रह रहे हैं, फिर ऐसे पहाड़ी इलाका है और वहाँ पहाड़ों पर रह रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो जो वहाँ रह रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, काफ़ी हाइट पे जो रह रहे हैं, तो वहाँ उनके हीमोग्लोबिन ज़्यादा होंगे, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, और जो प्लेन पर हैं उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कारण क्या है, इसका रीज़न होता है एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सनट्रेशन। अब जो प्लेन पे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी अधिक अमाउंट में अवेलेबल है, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन मतलब 12 से 20 बार है ना, 12 to 20 टाइम्स पर मिनट लगभग, मतलब 12 से 20 के बीच में अगर हम सांस लेते हैं एक मिनट में, तो एक मिनट में 12 से 20 बार हमने सांस लिया इनके बीच में, तो उतने में ही हमारे सभी सेल को जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बट जब हम ऊपर जाते हैं हाइट पर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन जब आप ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उस ब्रीदिंग में आपका ऑक्सीजन जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ एयर में ऑक्सीजन क्या है, कम है। यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा था, आपने सांस लिया बहुत सारा ऑक्सीजन गया, लेकिन ऊपर अगर हम हैं और वहाँ पर सांस ले रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी उतना ही ऑक्सीजन जा रहा है शरीर में, नहीं, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे हम प्लेन से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एयर में वहाँ पर कम है, इस वजह से उनको वो जब वो सांस लेते हैं ना तो उनके ब्रीदिंग के थ्रू उनको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाती जितना कि प्लेन पर रहने वालों को अवेलेबल होती है। तो उनके शरीर में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन उनको सफिशियंट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ाया जा रहा है, ताकि जितना एयर के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है जो हमने इनहेल किया, ठीक है ना, पहाड़ों पर हैं हमने इनहेल किया, जितना भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया ना उसमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ वापस एक्सहेल में बाहर नहीं आना चाहिए, सबको पकड़ लो। इस वजह से वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ा देते हैं, तो शरीर के अंदर उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन जो भी आ रहा है ना वो छूट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। तो उसको वैल्यू इनको पता है कि ऑक्सीजन लिमिटेड आ रहा है, तो हर जितने भी आ रहे हैं सबको पकड़ लो और उसको ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है। और नीचे हैं तो हमने सांस लिया तो सारे ऑक्सीजन जितने अंदर के उसको हम अवेलेबल मतलब उसको हम यूज़ थोड़ी करते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन हम बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है, जितना हमने इस्तेमाल किया बाकी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो एयर में वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उस वजह से वहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है ताकि शरीर में हर जगह ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और ऑक्सीजन छूट के जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर कम है। तो ये हो गया, अगर एक प्लेन पर रहने वाला इंसान, ठीक है, जो ज़मीन पर रहता है वो अगर जाकर के हाई अल्टीट्यूड में रहता है, ऊपर जाकर के पहाड़ियों में रहना शुरू कर देगा, तो 2 से 3 महीने के अंदर 2
टू थ्री है ना, विद इन थ्री मंथ उसका हीमोग्लोबिन लेवल अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो शरीर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ही बनाने लगता है ना, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है ताकि हीमोग्लोबिन इतना रहे कि एक भी ऑक्सीजन छूट के जाना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स की वजह से भी हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो ऊपर नीचे ज्यादा होता है। जैसे मेल में हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के होने की वजह से, इस एक्टिव हार्मोन्स के होने की वजह से मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा है जबकि फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। तो ये जो हीमोग्लोबिन ज्यादा और कम लेवल है, तो दूसरा फैक्टर है हार्मोन्स। हार्मोन्स अपना इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल डिफरेंट, मतलब उनमें अंतर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज ग्रुप। एज ग्रुप हमारा थर्ड फैक्टर है। ये एज ग्रुप क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा है उसके हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, ठीक है, और एक एडल्ट है बड़े हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, ज्यादा है। ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें भी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बीच का जो एज है, जो एडल्ट कंडीशन में है वहाँ पर हीमोग्लोबिन अधिक है शरीर में, बच्चे हैं तो हीमोग्लोबिन कम है, और बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे तो भी हीमोग्लोबिन क्या है, कम है। तो एज ग्रुप भी डिपेंड करता है, एज ग्रुप भी एक फैक्टर है जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन पर इफेक्ट डालता है। छोटे बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था कि उनका शरीर छोटा होता है, काम तो उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है बट उनका शरीर छोटा है तो उनमें सेल्स की संख्या कम होती है, सेल की संख्या कम होती है तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई उतना एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उतने ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, इस वजह से वहां पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। और ओल्ड हो जाते हैं तो बहुत सारा उतना वर्क नहीं हो पाता, उतना काम नहीं करते हैं उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, एक एडल्ट के इक्वल में काम नहीं करते हैं, तो काम कम करते हैं, इस वजह से उनको अधिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अधिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इस वजह से उनमें भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। तो ये हो गया थर्ड फैक्टर। फोर्थ है जेंडर, मेल और फीमेल। जेंडर मतलब मेल और फीमेल। आपने देखा यहाँ पर कि मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन लेवल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर हम देखें इंसानों में, तो मेल और फीमेल के हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग हैं। किसके वजह से अलग हैं, आपने देखा, उसके लिए भी क्या है, हार्मोन्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जेंडर भी एक फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर है जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल पर अपना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना पीना, ठीक है। अगर पोषण ढंग का अच्छा खाते पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सफिशियंट आयरन मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है, शरीर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो यदि खाने पीने में अगर ढंग का न्यूट्रिएंट नहीं लिया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर कम हो जाता है, जिस प्रॉब्लम को हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। तो बच्चों ये फैक्टर हैं जो कि अन्य ये फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं हीमोग्लोबिन लेवल पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमारा था एक्टिविटी 6.7 ये डन हो गया है। लास्ट एक्टिविटी हमारी है 6.8, ठीक है, और काफ़ी इजी एक्टिविटी है, काफ़ी शॉर्ट है, छोटी एक्टिविटी है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।